हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फॉर ए स्फेरिकल मिरर हैविंग स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस एफ लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जो प्रिंसिपल फोकस होता है स्फेरिकल मिरर के केस में, वो पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बिल्कुल बीच में लाई करता है। और हमें पता है पी और सी के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। तो देयर फोर फोकल लेंथ इक्वल हुआ आर बाई टू। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से अगर हमें इमेज बनानी है तो उसके लिए क्या रूल फॉलो करें। नंबर एक, एक बार इसको फिगर से समझते हैं। पहले अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो फर्स्ट रूल क्या बन जाएगा, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर पास थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की अगर बात करें तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ को रिट्रेस करके वापस चली जाती है। तो रूल टू क्या बन जाएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। रूल नंबर थ्री, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से या फोकस से आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है, पैरेलल हो जाती है या उसके पैरेलल पथ से चली जाती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड नेक्स्ट रूल इज, अगर कोई रे डायरेक्ट पोल के ऊपर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना के वापिस जाती है जितना एंगल बना के आई थी। दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी। तो रूल नंबर फोर क्या बन जाएगा, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। केस वन करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट एरो ए बी एरो से जो हमें दिख रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो P और F के बीच में रखा हुआ है तो इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। हमने जो रूल पढ़े हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर उन्हीं को फॉलो करते हैं। एक रे आई, ए टिप से एक रे चली बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो डी पॉइंट पे आई। अब डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके डी से पीछे एफ से होते हैं क्योंकि पैरेलल आई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, तो फोकस से पीछे की तरफ चली गई। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और टिप को मिलाने वाले रास्ते से आगे बढ़ी,
क्योंकि AE जो पथ है उसको पीछे बढ़ाएं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से आई तो अकॉर्डिंग टू रूल उसी रास्ते से वापस जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस रिट्रेस हो जाएगी। तो हमने देखा दोनों रेज जब उनको पीछे बढ़ाते हैं तो वो फैलती जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो पीछे नहीं मिलेंगी। अब हम उनको मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं तो वो ए डैश पॉइंट पे जाके मिलती हैं। दैट मीन अगर यहाँ पे आई है एक्स पोजिशन पे तो टिप, इस ऑब्जेक्ट की टिप हमें यहाँ पे ए डैश पे दिखाई देगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बन गई है जो कि साइज में बड़ी है, उसी डायरेक्शन में बनी है यानी कि सीधी है, और एक्चुअल में वहां पे रे नहीं पहुंच रही, हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, एक्चुअल में रे वहां पे नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज है। हेयर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिटवीन पोल पी एंड एफ, हमारे पास एक ए बी ऑब्जेक्ट है जो पोल पी और एफ, फोकस एफ के बीच में रखा हुआ है। ड्रा अ रे ए डी पैरेलल टू द एक्सिस, दिस रे गेट रिफ्लेक्टेड एट डी। अब ये कहता है एक ए डी रे लेके आओ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो डी पे जाके ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और पीछे की तरफ बढ़ जाती है। ए सेकेंड रे ऑफ लाइट ए ई पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से ये मिरर के ऊपर आती है तो ये मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है परपेंडिकुलरली एट पॉइंट ई, ये ई पॉइंट के ऊपर आई है यहाँ पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पथ को फॉलो करके बैकवर्ड चली जाएगी एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। नाउ द टू रिफ्लेक्टेड रे, जो दो रिफ्लेक्टेड रे आई है आर डाइवर्जिंग, तो पीछे जब इनको बढ़ाएंगे तो ये डाइवर्ज हो रही है, देयर फॉर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे मिरर के पीछे इनको डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे और वो ए डैश पॉइंट के ऊपर जाके मीट कर जाएंगी। दस ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर। तो इस तरह से ए डैश बी डैश हमें इमेज यहाँ पे मिल जाती है। तो इमेज जो मिली उसकी क्या प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, नंबर एक बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनी है, ये वर्चुअल है क्योंकि वहां पे डॉटेड लाइन से उसको बनाया गया है, एक्चुअल में रे वहां पे नहीं पहुंचती है, इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्निफाइड है।